अगर अब्दुल रहमान बिन औफ इज द लेटेस्ट एंट्रेंट इन साहबा, साहबा पूछेंगे कि अब्दुल रहमान जन्नत में बैठे इतने साल हो गए तू कहा था, ऐसे कैसे आप दिया? सोचे अब्दुल रहमान बिन औफ अशरा मुबशरा, जिस साहबी ने नबी अलैहिस्सलाम का नमाज पढ़ाई हुई है, दिस इज द साहबी हु हैड द इमामा ऑफ नबी अलैहिस्सलाम, ही इज द मैन हु इज गोइंग टू एंटर मेनी 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 इयर्स आफ्टर साहबी। और क्या हो रहा है, ऐसे में साफ कर लूंगा, हमने इतना इजी ले लिया। 50,000 साल के दिन की एग्जाम्पल आपको बता दूं कि हजरत आदम का जब बेटा काबिल, ठीक है, इन दोनों बेटों का जब कत्ल चल रहा था ना, वो और आज मैं यहां पे बात कर रहा हूं वीडियो पे, अभी फजर की अजान नहीं हुई हसर के दिन में काबिल ने कत्ल कर दिया और आज हम सेशन कर रहे हैं। इतना टाइम हुआ है, इतना इतना टाइम हो गया कि सारे नबी आ चुके हैं, सारी सिविलाइजेशन खत्म हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, हम इस वक्त 2021 में सेशन करें, मगर हशर में अभी फजर की अजान भी नहीं हुई। 50,000 साल इतने बड़े होते हैं और हमने इतना इजी ले लिया है कि हाँ वहां पे देख लेंगे, तो वहां पे तो कुत्ते को पानी पिला कर तवायत जन्नत में पहुंच गई थी, मैं वहां पे देख लूंगा। 50,000 साल का मतलब सोचें कि अगर हम इस टाइम लाइन में अगर हजरत आदम भी जिंदा होते, काबिल भी जिंदा होता, हाबील भी जिंदा होता, यहाँ पे हम सब हशर के मैदान में खड़े होते और वही टाइम लाइन चलती, तो अभी फजर की अजान नहीं हुई, अभी तो जोहर की आनी है, फिर असर है, मगरिब, फिर इशा, फिर कहीं जाके रात होनी है। 50,000 साल के, क्योंकि ये 8-9,000 साल पहले का वाकया आबिल कबील का जो कि लिखा हुआ है, इसे भी ज्यादा का लगता है क्योंकि सुमेरियन तो 16,000 साल पहले भी थे, जितना भी था। सोचे हमने क्या सोच लिया कि मैं V8 के ऊपर जन्नत का सफर करूंगा, तुम्हें शराब के ऊपर कहीं पे भी कोई वैल्यूएबल चीज है। एवरी सेन मैन एंड एवरी वाइज मैन ने कहा था कि मुझे मेरे जो कफन है ना उसे मेरे हाथ बाहर रखी। 11 एग्जाम्पल मुझे पता है कि मेरे बच्चों को पता चल रहा है कि एंड में कुछ नहीं होता।